राम राम जी, आप सभी का स्वागत है द चर्चा 24 में और स्पोर्ट्स लाइव में। आज का जो हमारा इंटरव्यू है बहुत स्पेशल इंटरव्यू होने जा रहा है, क्योंकि आज जो हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं हरियाणा के स्टार रेडर से, हरियाणा के स्टार रेडर खिलाड़ी से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं हम, और जो कि वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे चैनल के साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़े हैं, ऐसे भाई जुड़े हैं जो खेल जगत से नहीं है, किसी अन्य जगत से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें खेल जगत से परिचित करवाना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के, हरियाणा का नाम ऊंचा करने वाले देश के महान रेडर, एक बेहतरीन खिलाड़ी विनय खत्री जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है विनय जी आपका, एक बार राम राम कर दीजिए हमारे सभी दर्शकों को। थैंक यू भाई साहब, और द चर्चा 24 पर जितने भी दर्शक इस इंटरव्यू को सुनेंगे सभी को मेरी ओर से हाथ जोड़कर राम राम। सबसे पहले तो विनय भाई, एक बार अपने गांव का नाम और अपने माता पिता का नाम हमारे दर्शकों को बता दीजिए। भाई, मेरा नाम विनय खत्री है, मेरे पिताजी का नाम श्री नरेश खत्री है, माता जी का नाम प्रोमिला है। किस गांव से संबंध रखते हैं? मेरा गांव खरक जाटान है जी। खरक जाटान से। तो विनय जी, सबसे पहली बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सबसे पहली जो चीज़ होती है कि इस खेल की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कि आपके अंदर ये आया हो कि मुझे कबड्डी खेलना, कहाँ से मिली है प्रेरणा? भाई, प्रेरणा जो है मतलब अपने सीनियर प्लेयर थे जो गांव में, वो खेलते थे, अपनी बहुत अच्छी टीम थी और है भी आज भी, पहले कई सालों से खेलते आ रहे थे। तो मैं पहले नेशनल स्टाइल खेलता था, उसके बाद मैं सर्कल स्टाइल खेलता था, तो मुझे अपनी एक बहुत अच्छी जो उस टाइम टीम थी उसमें खेलने का मौका मिला और वहीं से मेरे को प्रेरणा मिली। तो कबड्डी खेला करते गांव में या कोई और खेल भी थे, मतलब आपके मन में कबड्डी क्यों आया कि भाई कबड्डी खेलना है? खेलना तो भाई सारे खेल खेले हैं जो बालकपन में खेल लिया कर रहे हैं, गोलियात लेकर ताश तूस बत्ती डंडा खाखोसड़ा सारे खेले भाई, पर इसकी रूटीन ही होगी, एक टाइमिंग ही बंद गई, एक 4 बजे उड़ जाना है, उड़ जाकर मेहनत करनी है, उसके बाद मेहनत करके ये डाइट खानी है, और घर के जब ग्राउंड में जा दे मतलब थोड़ा हा खान पीन पर भी जो मांग लिया दे करके दे दिया यार दे, तो एक टाइमिंग ही होगी, एक वहाँ पर जाना है, फिर इस तरह लगाव हो गया बहुत ज़्यादा। तो इस खेल में आपका गुरु कौन है, जिसने आपकी उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया हो कबड्डी में? देखो, वैसे तो हरेक लाइफ में सिखाने वाले बहुत होते हैं, वो भी गुरु के समान होते हैं, मतलब जगह जगह पर कोई अच्छी शिक्षा देवे या पढ़ाई में लगा लो, खेल में लगा लो, हर एक अपना एक अलग गुरु होता है, लेकिन सर्कल कबड्डी को सिखाने वाले मेरे को प्रवीण गांगुली हैं। प्रवीण गांगुली जी। तो इस खेल में मतलब ये लगा लीजिए कि अलग अलग तरीके के खिलाड़ियों के साथ आपका आमना सामना होता रहा होगा, तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी रहे होंगे जिनको देख के आपके मन में कि क्या बात है, क्या व्यवहार है इस बंदे का, क्या खेलने की टेक्निक है, तो इस तरीके का कोई आदर्श खिलाड़ी हो आपका? आदर्श खिलाड़ी जब मैं खेलता था, जब मैं मतलब नॉर्मल जब मैंने स्टार्ट की थी, साल 2 साल था, तो उस टाइम में बिल्लू मुंड था जो कि हरियाणा का एक नंबर का स्टार रेडर था, सुभाष रिडाउ था, लेकिन मतलब ये 3-4 प्लेयर जो थे उस टाइम के स्टार थे, तो मैं इनको देख के मतलब मेरे को ये लगता था कि मैं भी कभी इनकी तरह मेरा नाम हो, इनकी तरह मेरे को लोग जाने, तो वो मेरे प्रेरणादायक। जैसे बिल्लू मुंड जी का नाम काफ़ी सुना जाता है, तो वो तो अभी खेलना छोड़ चुके हैं, तो अभी फिलहाल के जो खिलाड़ी हैं, आप खुद भी एक स्टार रेडर हैं, फिलहाल के जो खिलाड़ी हैं उनमें आपका फेवरेट रेडर कौन है? सारे फेवरेट हैं भाई, अपना कोई फेवरेट नहीं, आज का टाइम पर सारे फेवरेट हैं, मतलब सारे बढ़िया हैं, अब अपना बढ़िया गेम दिखावे हैं। फिर भी किसी ऐसे का नाम लेना चाहो कि भाई फलाने का खेल मने कुछ अलग लग गया है कि हाँ कोई कमाल का खिलाड़ी? सेम है भाई, बढ़िया है, इबाज का दौर पर यूँ तो है नहीं एक को, मतलब एक किले में खेल रहे, कई बार कदे किसी में ऐसे डाउन चला जा, कदे किसी का अप चला जा है, बाकी फिर भी अपने हरियाणा के भी पंजाब के मैं कहना चाहूँगा सारे प्लेयर बढ़िया हैं, चाहे वो कैचर है चाहे कोई रेडर है। तो कोई जैसे आप रेडर हो तो बहुत सारे ऐसे कमाल कमाल के कैचरों से आपका सामना हुआ होगा, तो कोई ऐसा कैचर आपके उसमें अभी तक आपने फेस किया हो जिसको आपको लगा हो कि भाई इसके दौरे तो बच कर निकलना थोड़ा मुश्किल काम हो गया था? भाई देख, जब तक खेल यहाँ अरीब तक खेल दिया रहे हाँ, भगवान करना भी आ गई सा हुआ है, बाकी आप जब भी ग्राउंड में गए यहाँ आप एक चीज़ सोचा रहा, अगर नया प्लेयर के गिले खेलना जो अपने तक टॉप हो, वो कैच बेशक मार दे कोई दिक्कत नहीं, पर उसका गेल खेलना अपना खुल के खेलना, बढ़िया खेलना है तो अपना नाम होगा, अपना तगड़ा होगा तो बढ़िया खेलना तो अपना नाम होगा, जय बाय चांस या फिर मतलब गेम के दौरान अपना तो बढ़िया गेल मैच खेलना एक दो कैच लग जाए तो उसमें अपनी बेइज्जती ना है,
ठीक है, पर अपन आज तीसरा कुछ नहीं लग गया, कोई भी नहीं लग गया कि इसका गेल खेल लेंगे भाई, थोड़ा भयभीत होकर खेल लेंगे या यू अपना कैच मार दिया नु है, जो अपना मतलब नेचुरल गेम है ना, आप वो दिखाने की कोशिश करा रहा पब्लिक ने और वो ही रखा कर अपना। विनय जी, एक समस्या आम तौर पे देखने में आ रही है कबड्डी के अंदर की हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, बहुत से खिलाड़ी पंजाब जाके ज़्यादा खेलना पसंद करें, उसका क्या कारण है? देखो भाई साहब, बेरा की है इब मतलब जो नाम बने हैं ना वो फिलहाल के टीम पे पंजाब की कबड्डी में अगर खेल रहे हैं ना कोई प्लेयर ज़्यादा तो उसका बने हैं। ठीक है, यहाँ पे की है, यहाँ पे है पैसा सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे खेलने के बाद जो विदेशों के टूर होते हैं या फिर प्लेयर का जो एक रेट होता है वो वहाँ पे मतलब ओके मिलता है। हाँ, यहाँ पे पंचायती मैच होते हैं, अच्छा है यहाँ पे, मेरे को पसंद है एक्चुअली, हरियाणा में खेलना ही पसंद है मेरे को, लेकिन वहाँ पे ये लगा लो स्पॉन्सर हैं या फिर वहाँ से बाहर जाते हैं, बाहर जाके डाइट प्रॉपर मिलती है, वहाँ से प्लेयर तगड़ा होता है, और जो यहाँ पे खेलता है वो यहीं पर रह जाए भाई। चलो, ये तो ही सुविधाओं की बात की, भाई सुविधा वहाँ जो पंजाब में है बहुत अच्छी हरियाणा से मिलती हैं। तो एक खेल की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन में भी आपने फ़र्क लग गया कि भाई हरियाणा में कुछ अलग तरीके का है या पंजाब में कुछ अलग तरीके का है, या जो रूल्स ना लोग फॉलो कर रहे हैं हरियाणा में ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, पंजाब साइड ज़्यादा बढ़िया स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो कर? भाई पंजाब में रूल मैं मेरे हिसाब से 50-100 का फ़र्क होगा, 50 मतलब हाँ पूरा, अरे वो स्ट्रिक्ट ट्रिक्ट को नहीं भाई, हर प्लेयर वहाँ पर मानना है उन पर, मतलब नो भी नहीं है कि कुछ कशा जावे है डिसिप्लिन, हाँ खुद ही प्लेयर डिसिप्लिन करें उन ग्राउंड में जाकर, क्योंकि वहाँ की पब्लिक भी डिसिप्लिन वाली है, खुद के जो कमेटी वाले वहाँ भी डिसिप्लिन के हैं। ठीक है, वह बात फिर आएगी, अगला जो सही डाल बोल रहा तो आप भी सही डाल बोलना पड़ेगा, अपन मजबूरी हो जाए भाई अपनी, क्योंकि अगला अपन रिस्पेक्ट देवा तो रिस्पेक्ट देवांगे दलते हैं, तो वो आप मतलब वो नहीं कर देंगे अपने के लहंगा करे हैं आपको करो, लेकिन अगर वहाँ पर कोई सीनियर जूनियर प्लेयर कुछ भी इसी हरकत करे है कि वो गलत है गेम के प्रति, तो उससे का नंबर काट दिया जाओ, उससे को वार्निंग दी जाओ है। अपने तकरीबन कई बनू हो जाओ है, यू स्टार प्लेयर है, चलो इसने छोटी मोटी कुछ कर भी दी, थप्पड़ मार दिया, किसी ने फाउल कर दिया, चल छोड़ कोई बात ना, मतलब नुह टाल जाए। तो ऐसा बहुत सा देखने को मिलता है कि जब भी हम किसी नए काम की शुरुआत करने लग गए हैं तो बहुत दिक्कत उस काम में आवे हैं, जाहिर सी बात है। तो जब आपने भी कबड्डी की शुरुआत करी होगी तो घनी समस्या आई होंगी, तो आपका सहयोग किसका ज़्यादा सहयोग आपने मिला, अपने घर परिवार से या यूँ कहें कि गुरु से या गांव वालों की तरफ से, कि क्या आपको सहयोग मिला? ईसा भाई साहब, देखो मैं किसी एक दो आदमी का नाम ले गए, उन जो आज थे मेरी ज़िंदगी में आए उनको मैं छोटा नहीं करना चाहता, क्योंकि देखो मेरे उसमें दोस्त भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे घर वाले भी हैं, या मेरा गाँव भी है, मतलब मेरे रिश्तेदार भी हैं, तो ज़िंदगी में हर एक मेरा दोस्त का और घर वालों का रिश्तेदार का पूरा किरदार रहा है मेरी प्लेयरी में, मतलब सभी ने टाइम टाइम पे जो मेरे को ज़रूरत थी वो मेरे को सहयोग मिला है। और एक और मैं स्पेशल सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जैसे जब एक खेल की शुरुआत की थी, आपके पिताजी किसान हैं, जब एक किसान के बेटे ने खेल की शुरुआत की थी और आज विनय खत्री एक जाना माना नाम है कबड्डी की दुनिया में, एक स्टार रेडर आपको माना जाता है, तो ये ऐसा आपको कब महसूस होने लगा कि अब जो है मैं कबड्डी की दुनिया में एक अच्छा नाम बन चुका हूँ और अब मुझे लगता है कि हाँ मेरा भविष्य इस खेल में सुरक्षित है? नाम तो भाई देखिए तो वह बात है, बरिया के करे किसी का तो, और जिसका बर जाओ खत्म हो जाए रहा भाई, यह भी हकीकत है, तो मतलब नू अपना अपना स्टार मानना खुद खत्म होना है। ठीक है, तो आप कोशिश करा, हाँ बढ़ दे जावा, मेहनत कर दे जावा, बढ़ दे जावांगे, और महसूस तो आज थी तो ऐसा होया ना है ना, घर के कहते भाई कैमें होया है, घर के नुआ है मेहनत कर, जो अपना काम है जो अपनी फील्ड है उसमें बढ़िया दे और चलता रहे। फिर भी जो आपकी उपलब्धि रही है उन उपलब्धियां का गांव गुआंडा में चर्चा तो पूरी होती होगी, फील ही तो हुए है। देखो 2016 में मैं लीग खेल के कैलिफोर्निया में था मैं, तो उस टाइम जो था मतलब एक गांव ने अपना प्रोग्राम किया था, स्वागत किया था, उस टाइम तीनों चारों गांव थे जो मुझे लाखन माजर से मतलब ले आए थे, तो उस टाइम एक अलग सी उमंग हुआ, फील हा हुआ है, हाँ आप खुद खातर लगा लो, गांव खातर लगा लो, किसी खातर करा, हाँ क्योंकि
मेरी मेहनत तेनू नहीं घर में, तेरी मेहनत तेरा काम आऊगी, तेरा करिया और तेरा काम आऊगा, तू क्या हमने कि मैं देगा वो करे मन। लेकिन गांव वाले देखो मतलब इतना प्यार सहयोग दे रहे थे, तो उस टाइम एक फीलिंग ही थी अलग सी। एक और चीज़ विनय भाई सामने आती है कि जब हम काम की शुरुआत करते तो माँ बाप की चिंता होनी जाहिर सी बात हो है कि भाई छोरा बेरा नहीं क्या करेगा, किस तरीके किस काम में लग गया है, कुछ आगे भविष्य इसमें सह भी कि नहीं, क्योंकि माँ बापू ज़्यादातर अपने गाम जो अगर बात करें तो नुहेरो है कि भाई पढ़ाई लिखाई कर ले तो ज़्यादा बढ़िया है। तो फिर भी जब खेल की तरफ शुरुआत हुई तो थोड़ा बहुत तो घर के कंधे होंगे कि भाई क्या 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 में लग गया कि मैं पढ़ाई लिखाई कर लेंदा। अरे ईब ऐसा टाइम आ चुका है क्योंकि आप एक जाने माने खिलाड़ी के रूप में पहचान बन चुकी है, और जैसे आपने बताया कि गांव ने पूरे ने आसपास के गांव गुआंडा ने मिलकर स्वागत भी कराया था, तो जब माता पिता गांव में निकलते होंगे तो ऐसा सुनने में बहुत आता होगा यार, फिर बहुत लोग उस रिस्पेक्ट के साथ बातचीत भी करते होंगे, आपका नाम भी लेते होंगे, तो जब पिताजी घर आकर बताते होंगे कि भाई नूर नू आज मेरा सीना चौड़ाया, तो आपने कैसा फील हो उस टाइम? ऐसा है जब मैंने शुरुआत करी खेलन की उसके दौरान आज तक कोई ऐसा मतलब कोई बातचीत नहीं हुई है कि मेरे को खेल के प्रति ऐसा भी सोचने को मिला कि ना थोड़े दिन दूर हो जा या फिर घर वाले चिंता कर रहे हैं इस चीज़ की। क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे दादाजी को ये था कि दोनों टाइम ग्राउंड पर जाओ, अच्छी डाइट ले और जो है लड़का तगड़ा हो जा। मेरे दादाजी यहाँ तक सीमित थे क्योंकि मतलब दादाजी पिताजी और उनके दादाजी के पिताजी कभी से अकेले रहे हैं, मतलब एक एक हैं, नूने के दो भाई हैं, अम्मा के दो भाई हुए। हाँ तो दादाजी को ये था कि हाँ बस लड़का तगड़ा तगड़ा हो जाए, लेकिन पिताजी को ये था कि हमारे परिवार में से मतलब कोई प्लेयर हो। तो पिताजी मतलब ये सोचते थे कि हाँ एक थोड़ा मोटा जितना भी एक प्लेयर हो हमारा घर में। हाँ उसके दौरान मम्मी भी मतलब अच्छा सहयोग देती थी, ये भी नहीं कहती थी मतलब 4 बजे ना उठा कर दे तो आप पठा दिया यार दी, थोड़ा मोटा इतना भी पैर हो अर्धा घने दिन हो जाते दे ही दुख दी ना भी ठांदी, पर एक दो दिन हो जाता ना जाते तो फिर आप ठा दी यार दी। गेम के प्रति आपा नहीं सा घर क्या ने कदे नहीं नूह दिया कहाँ भाई तो इस तो दूर हो ले थोड़ा मोटा। तो खिलाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि निरंतर अभ्यास करना, अपना रेगुलर प्रैक्टिस करता रहे तो निखार आता जाए अगर खेल में। तो जैसे अब कोरोना का टाइम रहा तो सारा सौदा चुगर देखो बंद रहा, तो आपको इसमें लगा कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुई कि भाई खेल रुकया हो, क्योंकि जिम जाम सारा सौदा बंद था तो खेल रुकया हो, खेल तो खैर रुके हुए हैं क्योंकि टूर्नामेंट कोई हो नहीं रहे, प्रैक्टिस आपकी इससे प्रभावित हुई हो? भाई देख प्रैक्टिस तो मैं बताऊँ अपना है ग्राउंड लेवल का सौदा, तो जो ऑफ सीजन में है वो स्ट्रेंथ का पावर का जो है वो जमा में या जो बड़े स्टेडियम है उनमें कराया जावा है, ठीक है। तो अपना घर पर थे ग्राउंड था अपने पास, अपने खुद के वेट वगैरह था, अपने ग्राउंड था बास्केट का था अपने पास, कर लिया कर दे। और मैंने तो निरंतर अभ्यास तो भाई चलेगा जब ये तो प्लेयर ठीक होगा, और वो कह अगर भाई मेहनत करने वाला तो एक कमरा में भी कर सके है, और ना करने वाला तो चाहे बड़े बड़े स्टेडियम और भी नुआ होगा, भाई मेहनत तो करिए है। एक और सवाल, जैसे हमारे चैनल के साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि फिटनेस तो हर फील्ड में ज़रूरी है, चाहे किसी भी फील्ड में हो हम, फिटनेस हर फील्ड में ज़रूरी है, खेलों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अन्य जो फील्ड के लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं उन्हें आपकी बॉडी अच्छी खासी फिट बॉडी है, तो उनको कुछ फिटनेस को लेकर कुछ सुझाव देना चाहो कि अगर जो फिट रहना चाहते हो, निरंतर अपना बॉडी को अच्छा रखना चाहते हो, उनके लिए क्या सुझाव? यू तो भाई साहब है मेरा गेम, इसमें तो करनी पड़ेगी मेरे को मेहनत, ठीक है। मैं थोड़ी ही और लोगों को मतलब जो मेरी सोच है वो बताना चाहता हूँ। हम अगर 5 घंटे 4 घंटे मेहनत करते हैं तो कम से कम 2 घंटे मेहनत तो उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि अपना शरीर है इसमें आत्मा लकड़े पास, यू खाली शरीर भी ओढ़े पड़े रहो है, यू जड़े है आखिर में, यू काम आवा है, यू अपने साथ दे है, तो इसको खराब मत होने दो। जहाँ थोड़े मोटे गलत पैसे लगा रहे हो वो अपना शरीर पर लगा के देखो, यू अपना काम आऊगा। अगर मेहनत करोगे अच्छी बुद्धि होगी, अच्छे विचार आओगे, एक बार करके देखोगे तो इन चीज़ों का पता लगेगा, नहीं तो दिन भर में करे कितने गलत विचार हूँ भाई। लेकिन जब मेहनत करा बॉडी थका भी है सो है डाइट ले प्रॉपर, तो उसके कारण शरीर में बहुत सारी जो अच्छे विचार आते हैं। एक और बात भी ने भाई, क्योंकि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है खेल जगत के अंदर, ऐसा बहुत सा होता है कि भाई जो नए नए खिलाड़ी आते हैं, नए नहीं पुराने भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो नशों का सहारा लेते हैं, स्टीरोइड का सहारा लेते हैं, इस तरीके की चीज़ों का सहारा लेके खेल के मैदान में उतरते हैं, तो उनको आप एक खिलाड़ी के तौर पर क्या कहना चाहोगे कि भाई ये सब चीज़ें गलत हैं, शरीर में नुकसान देती हैं, या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए क्या? पहले तो मैं कहना चाहूँगा अगर कोई इसी चीज़ करे है तो उसका प्रॉपर उनके पास हिसाब होना चाहिए कैसे करनी है कैसे निकालनी है।
और सबसे पहले इससे ही पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आपकी जो गेम लाइफ है वो शॉर्ट है, लॉन्ग टाइम आप नहीं खेल पाओगे। तो भाई नेचुरली खेलो, आजकल स्मार्ट प्रैक्टिस हो गई है, स्मार्ट डाइट आ गई है, इनको ध्यान में रखते हुए अगर आप स्मार्ट डाइट और स्मार्ट प्रैक्टिस करोगे तो उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको स्टेराइड की या किसी प्रकार के नशे की ज़रूरत होगी, क्योंकि डाइट भी एक बॉडी वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से ऐसी शेड्यूल बनने लगे हैं कि उसको कितना दिन में प्रोटीन फाइबर कितनी कैलोरी चाहिए, और मतलब ट्रेनिंग में भी इतना हो गया कितनी कैलोरी निकालनी चाहिए, मतलब स्मार्ट हो गया वही सारा सौदा, स्टेराइड की तो कोई ज़रूरत ही नहीं रही। एक और ज़रूरी सवाल विनय जी, जैसे खेलों का और फिक्सिंग का बहुत पुराना संबंध रहा है, बड़े कोई भी खेल हुआ हर खेल के अंदर फिक्सिंग की बातें अक्सर उछलती रहती हैं, और जैसे जैसे खिलाड़ी एक अलग तरीके से विकास की तरफ बढ़ता है तो बहुत से इल्ज़ाम लगाए भी जाते हैं जो झूठे भी होते हैं, सच्चे भी होते हैं, हर तरीके के होते हैं। तो आपका क्या कहना है कि जो मतलब खिलाड़ी को इस तरीके से भरोसा करके टीम मैदान में उतार रही है तो इस तरीके का जो काम करते हैं वो सरासर गलत है वैसे तो क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? 2018-19 में एक टूर्नामेंट थी बिलावल, अरुण जंगू जी की, भाई थे अपने मित्र, आज भी हैं वो ईसा भाई, उसमें बहुगार मारा मैच था, तो प्रॉपर बात बताऊंगा मैं, बहुगार मारा मैच था, फौजी का चोट लग रही थी, कोई रेड नहीं मारा था फौजी, उसने पहला मैच में भी नहीं मारा था, तो लाठिया काला और उनकी बात हुई, अक भाई थोड़ा मोटा मतलब जो होया करे प्लेयरा बीच में दवाई पानी का एरिया, और तो यो माँ चलो यार ठीक है कोई बात ना, वो मैच फिक्स नहीं था, मैं आज भी कह रहा हूँ, उस दिन भी कह रहा हूँ, उस तो अगले दिन भी ये बात हुई, क्योंकि रोड़ा किस बात पर था, उन तीन जिस हिसाब का उन सौदा मांगा उस हिसाब का उन तीन सौदा दे दिया, हाँ कई इसने भी मानना है फिक्सिंग, लेकिन हम दिल में बस का मैं कहूँ हूँ आज भी, मैं किसी चीज़ मंदिर में चढ़वा लियो आज तो मैंने किसी दिन कही हो मेरा कैच ना मारियो, मैं कबड्डी खेलना छोड़ दूँ या मेरा खुद मेरा भीतरला ने बेरा भाई, मेरा खुद पला गया था यो, मतलब चर्चा चली थी अरुण भाई ने मतलब लाइव आकर कही थी, दो चार दिन पास मेरे द्वारा फोन करके भी कही भाई वो गलत काम हो गया, मैं चल कोई बात ना भाई अरुण जो हो गया मैं उस टाइम तरती कहना चाहूँ था ना है यू सौदा पर तेरे कान भरे गए थे, किसी दो चार आदमियों ने उसके कान भरे थे गलत है, उन आदमियों का भी फोन आ लिया अभी ने भाई वो गलत काम होया मारा तो होया, मैं चल भाई कोई बात ना हो लिया जा लिया मारी उछल ली, पर भाई अपनी अंतरात्मा ने भी रापा ना कर वो काम ठीक है। तो उसके दौरान क्या होया वो पीछे परोला मच गया, उस टाइम में अरुण जंगू का घर जाने लग रहा था गाड़ी ले गए, उस टाइम मेरी टीम के सोनू बागड़ी रवि देहोरा और बालक उड़े थे, मैं गाड़ी ले तो रवि का मेरे दौर फोन आया भैया आड़े आपस में रुपया बाबा रोला कर रहे हैं, तो मैं फिर गाड़ी लेकर आया था भाई के चाहिए था हमने, ये बोले बोला हम तो इतने रुपये लेवांगे, मन ठा गए नूगे नू रुपये दे दिए थे, नूगे नू अपने दौरे रुपये दे दिए थे मैंने, जो कि उस दिन टीम में थे विनय खत्री एक भी रुपया उस टूर्नामेंट में घर नहीं ले रहा भाई ठीक है, अपने दौरे थे खुद करते हैं रुपये देगा रहा हूँ मैं, बोले बाबा जी बोले हाँ मैं चलो वगैरह, तो मैं कहना चाहूँ भाई उस टाइम में मतलब लोगों ने क्रैक के सोची है, मैंने कोई मैच फिक्स नहीं कराया, आज तक मैंने किसी प्लेयर की नूह नहीं कह लिया को मेरा कैच ना मरियो, कोई ऐसा प्लेयर हो तो उम्र दौरे अग आ जाओ ठीक है भाई। रही दूसरी बात फिक्स करने की, फिक्स भाई हुए हैं मैच ई भी हुए हैं पिछले सीजन भी हुए हैं और एक भी कराया नहीं हमने, हमने देखे भी हमने मैच का बेरा यू फिक्स था यू ना था, लोग उसने तो कह दे हैं जो फिक्स ना हो रहा उसने तो फिक्स कह दे हैं, और जो फिक्स हैं जो तगड़े मैच ही डाल खेले जाए उन जमा फिक्स नहीं बता दे। तो उम्मीद है कि जो इल्ज़ाम विनय जी के ऊपर भी लगे थे उसके संबंधित इन्होंने खुलासा किया है कि एक्चुअल में था क्या, तो उम्मीद है कि आपके बहुत से जो डाउट्स इसको लेकर रहे होंगे वो क्लियर हुए होंगे, और जो फिक्सिंग किस तरीके से क्या होती है या नहीं होती है उसका भी है यार ये को लाले पहला राउंड में है, पहला राउंड में टीम बढ़ा दी विनय खत्री की टीम का गिल एक हल्की टीम बढ़ा दी ठीक है, यो कमेटियाँ मनू करे हैं आके विनय जागनू कह दे भाई मेरा पहला मैच अड़वा करवा दियो ठीक है, तो पहला मैच आए के क्रम बेचारे करवा दे कमेटी वाले दो खां बढ़िया टीम हवीने की एक मैच पहले इनका वार्म अप का करवा दो, वार्म अप बोल रहे भाई उस मैच ने को मैच ना बोल दे वार्म अप बोल रहे हैं, तो विनय दो रहे भाई वो टीम वाले आ जाए पहलवान जी
दवाई पानिया कराया बड़ा करियो, वह मैच फिक्स थोड़ी करना रहे यार। उन कर मारा के चलो मैच वह जीत सके हैं, लेकिन उन कर मारा के मैच लग भाई बिल्कुल ठीक है, वो मैच जीत सके हैं, लेकिन उस टाइम हकीकत तो यह देखी जाए भाई साहब उन कर मारा के मैच लगेगा। तो अगर वह मंग है तो छोटे भाई है भाई, उनने कराया तो कमेटी की ओढ़ता 1000 रुपये थे वह, वह बेचारे 3000 रुपये की गड्डी करके ले रहे, 1500 रुपये 2000 रुपये प्लस्टर प्लस्टर भी ले रहे हैं, वो कितना पूरा पड़ा भाई। अगर वो मेरे मंगना हुए हैं तो मेरे मुँह तो कौन नाटा जाना भाई, ठीक है मैं उन्हें दूंगा। तो जैसा कि ये तो होती है मतलब एक आपसी प्लेयरों की और फिक्सिंग होती है भाई, वो अकाद दे तारे आज दे मारे, और भाई तू मेरा कह जाना मारिए मैं तेरा यू मोटरसाइकिल जीतेगा यू ना जीतता, ये हो रहा फिक्सिंग भाई ठीक है। और यू हो रहा भाई आपस में प्ले प्लेयर पना खा भाई, यू छोटा भाई है हाँ यू पहला मैच में बाहर जाओगा, तो उसके बाद भी 2018-19 के बाद भी अपने पारो पला गया। लेकिन मैं एक और बताना चाहूंगा, मेरे साथ 2 टूर्नामेंट मैच ये हुई, सेमीफाइनल मैच में मारा मैच हल्की टीम आगे गया ला जा रहा, क्योंकि जो लोडर टीम थी वो पहले भी हार जा रही, सेमीफाइनल में भी आ जा रही, कह दे आ गया पहलवान जी नू नू माँ बचल कोई ना तम खेल लियो, बोले पहलवान जी दवाई पानी आगा मैं भाई फिक्स ना कर दे, क्योंकि मारा पहले भी कहूँ फिक्स करे हैं, लेकिन मैं फिर भी दूंगा तमने भाई साहब, मैं आगे भी दूंगा चाहे कोई सेंटर सुना है कोई ना है सुनता, क्योंकि छोटे बालक है आम उस दौर तक गुजर रहे हैं, 500-500 रुपया मार दे भाई ग्रा आपने बेरा आज के दिन कितने खर्चे हैं पहले कितने थे ठीक है। एक प्लेयर अगर अपनी सारी चीज़ें याद रखेगा ना तो वो मतलब यार ये चीज़ करेगा। अब एक ही एक सीनियर खिलाड़ी की तरफ से अपने जो नई पीढ़ी के खिलाड़ी इसमें आ रहे हैं उनको एक तरीके से सहयोग है, जो एक आर्थिक सहयोग अक्सर करना भी चाहिए, एक मानवता का काम इसको कहा जा सकता है। तो विनय जी ये तो रही फिक्सिंग की बात, अब अगर हम कबड्डी खेल की बात करें, ये बात एक बार आप जाकर भौगोलिक टीम वाले से भी पूछ लो जितनी बात मैंने कही है, अगर उन बातों में कोई दोरा हो तो फिर इकट्ठे बैठा के पूछ लियो। जी बिल्कुल, मतलब आपने सुना कि विनय जी अपनी तरीके से अपनी तरफ से फेस टू फेस भी इस बात का खुलासा करने के लिए तैयार हैं। तो ये तो रही फिक्सिंग की बात, अगर अब अगर हम कबड्डी खेल की बात करें, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज के टाइम पे जो है सर्कल कबड्डी है एक बुरी दशा से गुजर रहा है, तो अगर हम कहें कि सरकार का इसमें क्या सहयोग है, या सरकार कुछ सहयोग कर भी रही है नहीं कर रही है? किससे का कोई सहयोग नहीं भाई, असली बात तो या उड़ा सरकार ने लगाए थे, पंचायत सेक्रेटरी पुलिस में भी लगाए थे, ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी लगाए थे, बाम तो ना अच्छे मानना हाँ हम कोई राजनीति के मारा कोई संबंध नहीं ना कोर हाँ, लेकिन जो कबड्डी परिवार के लिए अच्छा कर है या कर रखा है हम उनको अच्छा मानते हैं। नू नहीं है कि मतलब को मारती दिलासा दे जा ना भाई, बेशक बहम ना रखियो, अगर हाँ कबड्डी प्लेयरा खातर सर्कल कबड्डी प्लेयरा खातर या नेशनल जो कबड्डी होगी उन खातर जो अच्छा करे वो हमारा खतरा अच्छा है, उसमें चाहे विनय खतरी नौकरी ना लागे चाहे मेरे 2 छोटे भाई लाग जाओ जिन वह लाए हम उन भी अच्छा मानना हाँ। फिलहाल कुछ नहीं हो रहा, कोई प्लेयर नहीं लगा जा रहा, लेकिन एक मतलब वो कहते हैं ना भाई एक हमारी मांग लगा लो या हमारी रिक्वेस्ट लगा लो, आए साल भी अगर 13-14 प्लेयर इस मत लगाए जा तो जो निश्चित आने वाले जो प्लेयर हैं उन्हें रोजगार मिले जा, हर एक माँ बाप अपने लड़के को या हर एक लड़का इस गेम में रुचि दिखाऊगा, यो हमारा मतलब ग्रामीण खेल है, मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है, हरियाणा में पंजाब में इसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो एक लोगों की इसमें रुचि बनी रहेगी अन्यथा ये यार खत्म हो जाएगा। पहलवान जी एक और सवाल आपसे, आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था 2019-20 के शुरुआत में सुतकण खुर्द में एक टूर्नामेंट हुआ था, हरियाणा पंजाब का मैच होना था, तो उसमें आप पहुंचे नहीं थे, तो आयोजकों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई विनय जी का ये कहना था कि पंजाब ने बहुत अच्छे खिलाड़ी बुला लिए इस वजह से वो नहीं आ पाए, तो ये इल्ज़ाम कितना सच है भाई? विनय के कदे बाहर खेल है किसी में कि पंजाब वाला खेल खेल है? डरे तो आज तक इससे तो भी कौन भाई, अरे ना डरते इतने जीवांगे भीतर में है या बात के बरा परमात्मा काल ने के करा दे। दूसरी बात फेडरेशन के भी खेले हैं, कनाडा भी खेले हैं, पूरी लीग भी खेले हैं, वह प्लेयर मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया भी थे ऑस्ट्रेलिया भी खेले हैं, उन तो बढ़िया भी पाऊंगे सेट का हिसाब से जो सेट चल लिया करे ठीक है। और रही दूसरी बात इल्ज़ाम तो भाई इतने खोटी दुनिया हो रही है, पंजाबी प्लेयरा पर भी ला दिया वो मैच होने के बाद के ला दिया अक पंजाबी प्लेयर फिक्स कर गए लास्ट वाली कैच सुल्तान फिक्स करके खा गया, ओड बड़ा प्लेयर पर ओड बड़ा इल्ज़ाम अच्छी बात हो यार। तो भाई दुनिया तो बेरा की है करे के कार है कि मैं करना हो ना ये कान बंद कर कर चले जा सीधा
जब चलिया जाएगा। और रही दूसरी बात सुदगन टूर्नामेंट की ना खेलने की बात, मेरा गाँव में बंद लग गया रहे जो कि कोरोना भाई इबनू नहीं कर दे, गाँव बंद कर दो भाई, कदे को बाहर आ जा। हर एक साल मेरे गांव में बिन कोरोना हुए भी बंद लग गया करता, वो हमारी परंपरा है, ठीक है। तो मैं गांव में था उस तो पहले दिन सुधीर डलडा आ जाए है, सुधीर डलडा आ गया कहते हैं हमारी एक टूर्नामेंट है मैं खेल लूँगा कोई दिक्कत ना। मैं 9 बजे मेरा गांव में चाहिए, मैं उल्टा आऊँगा 9 बजे, चैतरा क्वार्टर हो चैतरा छेमी हो, मैं 9 बजे उल्टा आ जाऊँगा, बोला ठीक है। हाँ सुधगन वाले मेरी बात हो ली थी, सुधगन वाले मैंने कही थी मैं ठीक है भाई साहब मैं देखूँगा गाँव तो बाहर चले जाऊँगा। मेरे दौरे बड़का ही फोन आ जाए, गाँव में है चंडीगढ़ तो बाल गाँव है भाई, दिल्ली तो बाल गाँव है, मैंने कोई त्यौहार का दिन है वो भीतर रहेंगे, क्योंकि उस दिन के है ना तो खाना बनता ना और को बनता, सारा अपने मिले हैं बैठे हैं बतला हुए हैं, पूरा गाँव भूखा रहा है। मैं अपने उस त्यौहार में रहूँगा भाई, वह अपने घर भी आए थे पर मैं उन मना कर दिया था, मैं मेरा पापा दी मखा मैं नहीं आंदा, ठीक है। सुधगन वाले ने कमेंट्री में भी कही है कई प्लेयर नहीं आए, डरदे नहीं आए, डरे तो भाई आज तक किसी से भी कोने, परमात्मा तो डरा हाँ, घर क्या तो डरा हाँ, माँ बाप तो डरा हाँ जी नजाम में, पर वह बात है मैच बढ़िया लग गया और इस तो फालतू के चाहिए और चाहे विन्ने हो चाहे क्यों ना हो, पर वो मैच बढ़िया काटा लागण के बाद भी लोगों ने फिक्स बता दिया इस तो बड़ा क्या होता इल्जाम, मारा अब तो लगने थे लाजमी है तो भी लागे मारा अब तो कदे के लागे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो विनय जी कोई ऐसा पसंदीदा आपका मैच रहा हो जो अभी तक यादगार हो आपको कि उस मैच में खेल के मजा आ गया था, इतनी कड़ी टक्कर हुई थी, कोई ऐसा मैच आपका यादगार रहा हो? यादगार तो भाई से सारे यादगार हो भाई, एक बार 2016 में तो इतने सारे यादगार थे कि बड़ा किसके खेल खेड बाजी जानी, और मैच तो यू है एक बार मैच उठ गया ना बढ़िया डाले तो कई बार एक तरफा हो जा, और भाई जब एक बार बैठ गया ना तो कई बार एक बार एक तरफा अपनी उड़ दो ना तो नूह बढ़ दे चल भी तो जुटे इन मतलब सर्कल में तो नूह मैच लग गया बराबर वाली टीम खेल। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम खेल खेल रहे होते हैं तो कई बार हमारे से गलती भी हो जाती है, क्योंकि आगे का खेल है, आगे खेल है तो धक्का मुक्की भी होती रहे है, जब पकड़न में छुड़वाण में होता रहे, तो कई किसी मैच में आपसे ऐसा कुछ हो गया, किसी खिलाड़ी का चोट चाट लग गई हो, छुड़वान दिया पकड़ दिया इस तरीके का, उसमें आपको आपके मन में एक अफसोस सारा होगी यार ये गलत काम हो गया मेरे पे, ऐसा कुछ आपके मन में कभी अफसोस होया हो, कभी ऐसा काम कुछ हो गया हो आप पे? भाई मेरा हिसाब तो मेरे ध्यान में तो देखो किसी भाई का लग गई हो अनजाना में तो सॉरी है उसको, बाकी मेरा हिसाब तो मेरे पर नहीं लगी होगी किसी का नू मतलब चोट चाट किसी प्रकार की इंजरी जो ज़्यादा दिक्कत दे। हाँ खुर्च पुरुष तो भाई सबका लाग जाए, आँख मांगली लागी रो रही है तो लाग जाए, बाकी मेरा हिसाब तो परमात्मा की दया किसी भाई का ना हो ऐसा। पहलवान जी एक और सवाल है, मतलब आलोचकों के हमेशा कुछ ना कुछ सवाल रहते हैं, तो 2018 में जब कनाडा कप था तो तब आप पर एक इल्ज़ाम लगाया था आलोचकों ने कि आप छुपकर टिकट कटवाकर वापस भारत आ गए थे डर से, वो कितना सच है? भाई वेरा की है भाई फिर आई डरन वाली चतड़क कर ले भाई खड़े अपना डर दे किसी तो सही बताऊँ खेल मतलब डरते नहीं ऊँ भाई वाई बात है जिंदगी में भाई जमा डर लग गया भाई को गाल दे दे उसका अग्गे भी हाथ जोड़ा। हाँ वेरा भी के है मैं खेलूँ था पहली टूर्नामेंट खेली बढ़िया खेली मन ये मैं कहूँगा सच्चाई ठीक है उस टाइम के ब्रह्म ने के कही हो के ना कही हो सिचुएशन देख के मन ने पी ली थी वीड सब ने बेरा वीड के होया रहा है नशा होया रहा भाई जो कि पेपर में पिया जा रहा है और चलो जो भी था मैंने वो बेरा ना था होया के अगर पहली बार मैंने पी थी वह वीड प्लेयर तो तकरीबन बेरा होगा वो के था वीड पी ली मैंने वीड पी ली तो वह करगी मेरा दिक्कत ठीक है उस टाइम मेरी दिक्कत होगी तो मैंने कही दो चार भाई मेरी दिक्कत होगी है नू नू तो अगला दिन फिर पी मन तो वह सड़ी आग लग गई तो बैठ के मैंने नू सोची जब तू आर्डर होगा तो या पिए जाएगा दारू भी पी लेगा सारे काम कर लेगा पलेरी भी रही रहेगी सुसरी कोई ना पीछे खाए जावाएं पिए जावाएं सारे काम हो जाए पर कायल ना जाएगा जो इज्जत माँ बाबू ने कमा रखी घर के ने कमा रखी वह कितना लियावाएंगे तो अपनी सच्चाई बताऊं भाई साहब उस टाइम मैंने नशा कर लिया था वीड पी ली थी वीड पी गए मैं 4-5 दिन पाछा अपनी टिकट करा के मैं अपना घर आ गया था स्पॉन्सर क्योंकि स्पॉन्सर ने कहते कोई ना हो जाएगा ठीक डॉक्टर का दिखा लिया पर मन्ने नू बेरा था पी मन्ने रखी थी ललक मेरा उठ रही जी मेरा करे पीण का मन्ने नू बेरा भाई इस नशा का कारण मैं खराब हो चुका जिंदगी में के 20-25 लाख रुपया ना अपन छोड़ गए नुकसान मेरे दफल तू कल बाड़ा गया है इस बात का मतलब पीछा नहीं होया मेरे दफल तू कल बाड़ा गया है भाई उस्ताद मंगी का होया है भाई दो
प्लेयर भाइयों का भी हुआ है पीछे का, तो मैं अपनी टिकट करवागा, अपना घर आ गया, क्योंकि मैं जिंदगी पहला अपने घर क्या इज्जत पहले, मैं वह वीड पी ली थी, तो उसके कारण मैंने वह कहना ना, तो भाई 2017 में सारा इस चीज़ ना खेल लिया था मैं। तो एक और सवाल आपसे कि जैसे एक खिलाड़ी होने के नाते आप इस खेल के प्रारूप में, इस खेल का जो सिस्टम है, रूल रेगुलेशन है, उसमें कुछ ऐसा बदलाव चाहते हो कि जिससे इस खेल का और ज़्यादा विकास हो सके? आप जो फेडरेशन वाले हैं, कमेटी वाले हैं, उनसे कुछ ऐसी गुजारिश करना चाहें कि किस तरीके के बदलाव से इस खेल को एक नए लेवल पर पहुँचाया जा सकता है? एक तो गेम के अंदर वेट लिमिट होनी चाहिए सबसे पहले जी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100 कर दो, 110 कर दो, चाहे वो 150 कर दे, वेट लिमिट होनी चाहिए एक, और बॉडी बैलेंस का हिसाब से बढ़िया मेंटेन रखे, शरीर मेहनत करे बच्चा, उस हिसाब से मतलब वेट लिमिट होनी चाहिए। दूसरी बात, रूल होने चाहिए, इन कॉपी में लिखे होने चाहिए, हाँ ये रूल हैं, ये रूल प्लेयर ने ग्राउंड में बढ़ते नमाने नमाने हैं, ठीक है। डोप टेस्ट होने चाहिए, ठीक है, और टेम पे सुविधा भी होनी चाहिए, प्लेयर के साथ फिजियो भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ग्राउंड में दिक्कत हो जाए तो किट भी होनी चाहिए, और भाई एक मतलब मान सम्मान लगा लियो, जो किराया बोलते हैं, किराया ना देंदे प्लेयर आते हैं, किराया तो क्या हुआ भाई, किराया तो वाई बात से बेचती हो, मान सम्मान बोल दे, उसने मान सम्मान के रूप में थोड़े है मतलब 2000 की जगह 3000 रुपये दे दे, क्योंकि आजकल खर्चा भाई बहुत ज़्यादा हुआ है प्लेयर। थोड़े रूल रेगुलेशन कमेटी के होने चाहिए, प्लेयर के होने चाहिए, एक फेडरेशन बननी चाहिए हरियाणा में, कम से कम 6 टीम तो चाहिए, ठीक है। उसके अंदर प्लेयर ने मिक्स करके भाई एक ओड़ा गेर दिया, विन्ने ओड़ा गेर दिया, दूसरा ओड़ा गेर दिया, फेडरेशन बनके घने नहीं इनाम पर थोड़े थोड़े है चालू करने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हम भी सहयोग देवांगे जितना हमारा होगा, बस 10 मैच 15 मैच हम अपना टीम काट के खेल लेंगे, जरूर खेल लेंगे, चाहे वो फ्री में खेलने पड़ो, तो एक लेवल अपनना चाहिए कबड्डी का। तो जैसे अभी पीछे सर्कल कबड्डी को नेशनल से बाहर निकाल दिया गया, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कितना गलत है वो कदम, उससे क्या नुकसान खेल को पहुंचा है? मैं एक प्लेयर होने का तौर बचा, वो गलत भी होता मैं तो भी गलत कहूँ भाई, क्योंकि मेरा वो गेम है, और रही बात ये तो सरासरी गलत कर रखा है ना, अगर ये चीज़ नहीं होगी ना तो इसका लेवल नहीं बनेगा भाई, ये नेशनल वाली चीज़ नहीं होगी तो इस गेम का लेवल नहीं बनेगा, वो बहुत ज़रूरी है इसके लिए। पैसे तो प्रोफेशनल तो बॉक्सर भी हों वो भी कितने कमा लें, लेकिन एक जो जो लेवल्टी की बात आ जाए ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। एक और अहम सवाल आपसे है कि हरियाणा में और पंजाब में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला खेल कबड्डी को माना जाता है, तो आपको क्या लगता है कि जो दूसरे खेल हैं, क्रिकेट भी अच्छा खासा लोकप्रिय खेल है और भी ऐसे बहुत से खेल हैं जिनको अच्छा खासा लोग पसंद करते हैं देखना, तो आपको क्या लगता है कि दोनों की जो कबड्डी है, कबड्डी के मुकाबले हरियाणा पंजाब में किसी अन्य खेल की लोकप्रियता में क्या आप फ़र्क समझते हैं? देखो मेरा ये है, जो भी गेम है वो अपनी जगह अच्छा है और टॉप है, उसके हर एक गेम के फैंस भी अपने अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरा मानना यूँ है, मैं 2010 तक उस टाइम में 13 साल का था, 13 साल का हाँ शायद था, बलवान भाई अर का गेल मैं सर्कल कबड्डी ऊन ले जाया करते, मैं देखने जाया करता उस टाइम तक, मैं इतनी देखता रहा हूँ सर्कल कबड्डी में पब्लिक कितनी हो है, बहुत ज़्यादा हुआ हरियाणा के अंदर, क्रिकेट का मैच हो जाए थोड़ी होगी, फुटबॉल का हो जाए थोड़ी होगी, क्योंकि इसके प्रशंसक ज़्यादा भाई, वह एक आदत सी बन गई, जय सर्कल कबड्डी को शहर वाला बाल के भी देख लेना 5-6 टूर्नामेंट जागोड़ है तो उसकी वो आदत हो जाएगी, जो कर नशा नहीं हुआ वो छोड़ा ना करता पेंडा, वह नो आदत हो जाएगी, वो देखने जाओगा तो भाई यू गेम एक ईसा है, इसकी आदत अलग है, और मेरे हिसाब से इस गेम ने तकरीबन जो मेरा मानना है सारे गेम आते हैं ज़्यादा इस गेम को हरियाणा में देखते हैं लोग। तो इस खेल को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है अपने उत्तर भारत के अंदर, तो एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, जो अभी एक प्योद कह सकते हैं हम अपने हरियाणा की भाषा में, प्योद तैयार हो रही है इस खेल की, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई मेरा ये है, मैन रोड़ा ये थोड़ा चल रहा है, ठीक है, अपना हरियाणा पसंद कर रहा है, एक नया बालक उठा हुआ है, 1-1.5 साल उसका साथ दे दे है, अगला दूसरा 2.5 साल में, 2.5 साल में उसकी निंदा लायक जहाँ करण, तो पहले तो सब तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा प्लेयर कोई भी हो उसकी रिस्पेक्ट करो, चौ लेवल में थोड़ा नीचा है, चौ लेवल में ऊपर है,
एक नज़र तो सारे प्लेयर देखा रहो, ईव को स्टार आ जाएगा, धैन दस फोन कर देंगे उसके, मारे जाएं फोटू। अरे प्लेयर तो वो भी तो है बेचारा, एक फोटू छोटा प्लेयर का गेल खचुआ देखो सा न जाएगा, पन से डंड फलतू मारागा वो, ठीक है हौसला होगा भाई मेरे गेल भी को फोटू उतरवा के ले गया, ठीक है। छोटा प्लेयर का क्या दिक्कत है, विनय की टीम थी पहले, विनय ने कदे कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा भाई, सही बताऊँ ना, मैंने कोनू भाई किसी दवाई पानी या मैंने गाड़ी मैंने किसी चीज़ की कदे भी कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी टीम के अंदर मेरे तो पहले बढ़िया स्टार प्लेयर रह रहे थे, मैं उन्हें मैं गोल मिल के बन गया जड़े। ईब के है मैंने कई टीम इसी देखी हैं भाई, ओसर ला ले, मथरोली ला ले, भाई गजबन ला ले, मतलब अपना हरियाणा में एक्सेट्रा सारी टीम ला ले बढ़िया है, ये टीम इसी है, ये टीम एक से बालक बन के एक कड़ी जोड़ के ये जब कबड्डी में आए हैं, दो तीन साल जद हो जद करके दुआया का गाड़िया का खान पीन का कर्जा सर पर ठा गए, और जब ये टीम थोड़ी नूलाले हाईलाइट में आई थी, और आज के दिन तो ये टीम बढ़िया हो रही है, ठीक है। तो इन्हें देखो ना कितने मतलब जद हो जद करनी पड़ी है उठने के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार से कि आए साल 10-15 बच्चे निकल दे रहे मैंने उनके पक्ष है नू सर्कल घूमता रहेगा, अभी जगह ले लेंगे भाई, ठीक है, रोजगार मिल जाएगा एक। और यही है भाई, नए बच्चे मेहनत करो, और भाई रिस्पेक्ट मैं पब्लिक को कहूँगा कि नए बच्चों की और ज़्यादा करे यारो, क्योंकि उनको हौसला मिले एक जो मतलब सीनियर प्लेयर उनको बड़ा प्रमाण का। तो ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं विनय भाई जो मतलब एक गांव के एरिया से आते हैं, यूँ कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पे टीम नहीं है, है ना, तो वहां पे उनको तैयारी करने का भी प्रॉपर जगह नहीं मिलती, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वहां का कोई बच्चा बाहर कबड्डी देखने जाता हो तो उसके मन में भी अलग जगी हो कि मैं भी कबड्डी की तैयारी करूँगा, तो उसको किस तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहिए इस खेल के लिए? देखो बेरा, सबसे पहले तो बेस मजबूत होना चाहिए कोई भी गेम हो, घर की भी तो नींव मजबूत दरिया जब बगर टेके आ रहे, बेस मजबूत हो, अड्डिया में पावर हो, नेचुरली पावर हो, ब्रह्मचारी का पालन हो, शुरू तो स्टार्ट करनी पड़े ये चीज़, डिसिप्लिन बहुत मायने रखे इस गेम में, रेस्ट डाइट और मेहनत ये चीज़ भी ज़रूरी है, ये मेन है ये चीज़ें, और उसके साथ डिसिप्लिन बेस तगड़ा करो। उसमें सर्कल कबड्डी की मैं बताऊँ, उसके अंदर रनिंग चाहिएगी अच्छी अच्छी, मतलब एक स्ट्रेंथ चाहिएगी, पावर चाहिएगी, उसकी एक्सरसाइज होगी। नू ना सोचो शुरू में सीखने लग जाओ ना, दो साल में मैं प्लेयर बन जाऊँ, जितना तोड़ा बनेगा उतना तोड़ा पड़ेगा। अपने आप को मजबूत करो, मेंटली मजबूत करो, अंदर से स्ट्रोंग करो खुद को, जो बात लोग मारे हैं वो सुनने की शक्ति भी होनी चाहिए, उनके सामने बोलने का एक अपना लहजा भी होना चाहिए, जो आप देने का भी लहजा होना चाहिए, ठीक है। अगर टेम टेम पर चोट लगती रहूँगी इंसान के अंदर, वो मजबूत होता रहेगा, तो उसको क्या करना चाहिए, वो एक अच्छे मतलब इंसान के अंडर माव है, अच्छी सोच रखे, बड़े बुढ़े के पास में बैठे, अच्छे विचार ले, ठीक है। और मतलब हरेक लोग मतलब जातिवादी नहीं करे, हरेक आदमी को मतलब एक अच्छी नज़र तक देखे, तो ये चीज़ एक प्लेयर में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे जाकर काम आऊँगी, प्लेयर बने पासे गाड़ देगा फिर उसकी बेइज्जती होनी है, शुरू में ये चीज़ बना के चलेगा तो आगे जाकर बढ़िया काम होगा। एक और सवाल की जैसे नई नई अकेडमियाँ खुलनी शुरू हुई हैं अभी कबड्डी कोचिंग को लेकर, तो आप क्या मानते हैं कि जो अकेडमी में जाने से ही खिलाड़ी बना जा सकता है, या अपने घर में अपने गाँव की ज़मीन में भी मेहनत करके खिलाड़ी बना जा सकता है, आपको क्या लगता है कि अकेडमी ज़रूरी है या नहीं है? भाई एकला प्लेयर तो इबर गाँव में मैं उठ जाऊँ, मेरा गाँव मना को प्लेयर है, मैं एकला प्लेयर उठ के मरे जाऊँ उस चीज़ का क्या फायदा, क्योंकि जो मैं गेम करूँ उस गेम की मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई तो मेरा मजान बनाएगा क्या फायदा, मैंने के बीत के लेनी है। दूसरी बात है अकेडमी, अगर जब गाँव में टीम हो अच्छी अच्छी टीम हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर गाँव में अकेला प्लेयर है तो उसको ज़रूरत है भाई, या तो किसी दूसरे गाँव में जाकर प्रैक्टिस करो वो भी अकेडमी हो जाए, या किसी अच्छे कोच के अंडर में अकेडमी में जाकर प्रैक्टिस करो वो बहुत अच्छा है, तो यही है भाई। तो आज का जो हमारा इंटरव्यू का सेशन रहा है बहुत ही खास सेशन रहा है, हम आज अपने इंटरव्यू में रूबरू हुए हरियाणा के स्टार खिलाड़ी स्टार रेडर विनय खत्री जी से, और उन्होंने बहुत से ऐसे खुलासे भी किए, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम थे उनका भी खुलासा किया, उनके बारे में भी उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से उनके ऊपर फर्जी इल्ज़ाम लगे थे, और जो सरकार को इस खेल को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए वो सुझाव भी इन्होंने दिए, और जो फेडरेशन को जो करना चाहिए और इस खेल के
प्रारूप में किस तरीके से बदलाव आना चाहिए और किस तरीके से जो हरियाणा पंजाब की कबड्डी है अलग अलग तरीके से काम करती है और क्या सुविधाएं वहां एक्स्ट्रा मिलती हैं, क्या सुविधाएं हम यहां पर देकर अपने खिलाड़ियों को हरियाणा की कबड्डी को भी एक अलग लेवल पर लेकर जा सकते हैं, उन सभी चीज़ों का आप सभी को सुनने को मिली होंगी, देखने को मिली होंगी और बहुत सी बातें, बहुत सी ऐसे राज जो आपको अभी तक वो शक के घेरे में होंगे, आप उनसे वंचित रहे होंगे, वो राज उन राजों का खुलासा भी आज हमारे इस इंटरव्यू के अंदर हुआ है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हरियाणा के कोने कोने में, उत्तर भारत के पूरे कोने में ये इंटरव्यू पहुँचे और जो खास बातें आज हम लोगों ने कबड्डी को लेकर सुनी है या यूँ कहें कि सीखी है और जो खास बातें हमें पता लगी हैं विनय जी से, वो सभी लोगों तक पहुँच सके। तो आप सभी से यही उम्मीद करते हैं कि इस इंटरव्यू को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।